एक चम्मच गेहूं ऑयल, एक चम्मच पानी और एक से डेढ़ इंच गेहूं की टूथ पेस्ट। समझ में आया? एक चम्मच शैम्पू, एक चम्मच गेहूं ऑयल, एक चम्मच पानी, मर्दों के लिए टी स्पून, औरतों के लिए टेबल स्पून, एक से डेढ़ इंच गेहूं की टूथ पेस्ट एक स्पून में नहीं आएगा, हाथ से मतलब जो गिरेगा तो एक से डेढ़ इंच। इन चारों चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपके पास गेहूं की पाउडर है तो उसी में अच्छे से शेक करो, नहीं तो फिर किसी प्याले में करके चाल से डालना है। हम लोग को बालों में यहाँ नहीं लगाना है, हमारा जो जड़े है यहाँ पर है, ये मजबूत हो जाएंगे तो ये बाल भी चमकेंगे और मजबूत हो जाएंगे, ठीक है। तो इन चारों चीजों को डाल के फिंगर टिप से अच्छे से मसाज करना है, उंगलियों से नहीं, फिंगर टिप से ऐसे पंजा मार के फिंगर टिप से क्लॉकवाइज। अगर मौका मिलता है, अगर कोई गर्मी करने वाला है तो इसको भी मसाज करना है, क्योंकि ये वेन्स हमारी जैप हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, उससे भी हमारे बाल गिरते हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रीटमेंट पूरा मेरे सीडी में भी किया हुआ है, जिसको लेना है ले सकते हो, इसमें मास्क के साथ में ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसको लगा के आप एक घंटा छोड़ देना है, एक घंटे के बाद शैम्पू, बहुत से लोगों ने शैम्पू फिर से लगाए, शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं, उस पर पानी डालोगे, रिंस करोगे तो शैम्पू ऑलरेडी है, तो आपका जो ऑयल वगैरह उसको निकाल देंगे। अगर नहीं निकालता तो थोड़ा सा शैम्पू लेके फिर से रिंस करके निकालना है। हफ्ते में दो या तीन बार ये ट्रीटमेंट करना है, रोज नहीं। आप लोग का पानी यहाँ का फिर भी ठीक है, हमारे यहाँ का पानी नमकीन है बहुत, मतलब नमक वाला पानी, तो वो जब हम नहाते हैं और गर्म पानी बहुत आता है, जब नहाते तो ऑलरेडी बाल गिरते हैं, लेकिन अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो बाल गिरने के बंद हो जाते हैं, रुक जाते नए बाल आने की वजह से। और जिनको डैंड्रफ है, जो डैंड्रफ के हम क्या करते हैं, बहुत सारे बाजार से शैम्पू लेते हैं, ठीक है। हमारा डैंड्रफ ट्रीटमेंट हमारा गेहूं की टूथ पेस्ट, क्यों? क्योंकि इसमें मिंथॉल है, वो हमारी जड़ों में जो इन्फेक्शन हो गया है उसको खत्म करता है, ठीक है। तो लोगों को अगर टूथपेस्ट उठा के दोगे तो बोलेगी क्या टूथपेस्ट बाल होने लगा है, इसलिए छोटी सी चिट्ठी में डाल के टूथपेस्ट देना है, ओके। ये थोड़ी सी चिट्ठी में कर लेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। फिर जब उसको अच्छा हो जाएगा तो बोलना पता है तुम क्या लगाते थे, हमारा गेहूं की टूथपेस्ट, ठीक है, सब सच्चाई पता है, पहले बताते थे तो ये टूथपेस्ट क्या बात होने लगा, तो ये होता है। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, और टूथपेस्ट इज वेरी गुड फॉर ब्लीडिंग गम, स्वेलिंग गम, माउथ अल्सर के लिए बहुत अच्छा है, बैक स्मेल जो आती है इसके लिए बहुत अच्छा है, डैंड्रफ के लिए काम करते हैं, तो जला कटा उसको लगाओ, कहीं हम किचन में काम करते करते जला का भी ऑयल आके गिरा तो वहां पर डायरेक्ट लगाओ, तो उससे आपको